मोहर्रम करबला कमेटी द्वारा पुलिस विभाग का सम्मान किया गया। सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहर्रम त्योहार में पुलिस विभाग द्वारा किए गए सहयोग के लिए मोहर्रम करबला कमेटी द्वारा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के आला अफसरों का इस्तकबाल मोहर्रम करबला कमेटी की जानिब से किया गया। हर साल की तर्ज पर इस साल भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि बीते दिनों ही इस्लामिक नया साल मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज ने हर्ष के साथ मनाया था। ताजिए पारंपरिक स्वरूप निकाले गए थे तो वहीं वृहद स्तर पर मुस्लिम कमेटियों ने लंगर आदि का इंतजाम किया था। इस दौरान पुलिसिया व्यवस्था भी चाक चौबंद रही थी। पुलिस विभाग के मिले इसी सहयोग हेतु मुहर्रम करबला कमेटी ने विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान जिले के एसपी शलभ कुमार सिन्हा सहित क्षेत्रीय सीएसपी व विभिन्न थाने जो कि जिले के अंतर्गत आते हैं उनके प्रभारियों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सीएसपी व साथ ही मोहर्रम करबला कमेटी के संरक्षक वीरेंद्र सतपति व कमेटी के पदाधिकारियों ने यहां उपस्थित अधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने मुस्लिम समाज की मुक्त कंठों से आभार जताया। 28 और 29 तारीख को मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पुलिस प्रशासन ने दो दिन तक लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए डट करके ड्यूटी की थी और इसी के लिए पुलिस प्रशासन को सम्मानित करने के लिए करबला कमेटी की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सारे उनके पदाधिकारी भी थे और पुलिस के भी सारे सीनियर अधिकारी थे और थाना प्रभारी थे। और हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा सम्मान किया गया है, हमारा उत्साह भी बढ़ा है, मनोबल भी बढ़ा है और आगे आने वाले सभी आयोजनों में हम लोग दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। वहीं कमेटी के संरक्षक पूर्व सीएसपी व पार्षद आदित्य सिंह ने भी सम्मान समारोह को लेकर प्रतिक्रिया दी। करबला समिति भिलाई ये प्रतिवर्ष का एक परंपरा ही है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, निगम के अधिकारी, भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी जो कि मुहर्रम में हमको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उनका एक स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। उसी कड़ी में आज हम सब कंट्रोल रूम में इकट्ठा हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम एक रिक्वेस्ट किए, वो झट से हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किए और सारे पुलिस अधिकारियों को इकट्ठा किए। आज आप देखेंगे यहाँ पर सारे पुलिस अधिकारियों ने सम्मान किया और यह एक परंपरा बनी रहे ताकि जो थैंक्स जताने का एक काम है, आपने हमारे लिए इतना मेहनत किया, रात 3 बजे तक आप जगे रहे, इसलिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद है, यही हमारा मकसद था, बस थैंक यू। इस अवसर पर पूरे शहर में सर्वधर्म समाज के बीच में जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ इसका आयोजन किया गया, इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव जी और पूरी कमेटी के साथियों का जिस तरह से सहयोग व साथ मिला उसके लिए हम आज पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करने पहुंचे थे। कमेटी के माध्यम से हमने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म के समाज के लोग भी हमारे इस आयोजन में शामिल हुए, इसके लिए भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आज अपील भी करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग सभी त्योहारों को, सभी उत्सवों को, चाहे वो किसी भी धर्म समाज का हो, उसको हम लोग सभी लोग इसी तरह से मिलजुल कर मनाएं और भिलाई में इस तरह का वातावरण हमेशा बना रहे। आपसी भाईचारे की मिसाल यहां साफ नजर आई। कमेटी के द्वारा सभी धर्मों के प्रमुख का सम्मान यहां हृदय से किया गया जिसमें नेहरू नगर गुरुद्वारा कमेटी से ज्ञानी सिंह जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से डॉक्टर अर्पण जी, हिंदू समाज से पंडित अवध बिहारी जी व साथ ही मुस्लिम समाज के हुसैनी मस्जिद के इमाम को यहां पर सम्मानित किया गया। इस दौरान पीरजहां हाजी जमीर, ताहिर भाई, हाजी आशिक अली, सलामुद्दीन व साथ ही शहर के तमाम ताजिया कमेटी के लोग यहाँ पर शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।